हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एडुलेशन के को न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले अपने सेकंड पार्ट की। किसका सेकंड पार्ट? क्लेविकल बोन का सेकंड पार्ट, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, कंप्लीट किया था क्लेविकल के कुछ कुछ सिरे या फिर बोले तो हम एंड्स बोलते हैं, जिनको मीडियल एंड हो गया, सॉरी लेटरल एंड हो गया, मीडियल एंड हो गया, उसका साफ्ट हो गया, किस किस से जाके और किस तरीके से वो कौन कौन से सरफेस देते हैं, कौन कौन से बॉर्डर देते हैं और किस तरीके से, मतलब उसका काम क्या है, क्यों क्लेविकल बोन इतनी खास है, तो हमने इस बारे में बात किया था। आज हम इसके बारे में कुछ अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे और इसके हो सके तो, अगर ये वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो इसकी हम कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलते सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। वैसे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लेविकल बोन की, तो आपको याद रहा दूँ जो क्लेविकल बोन थी वो जो उसमें क्या था, उसके अंदर देखो कितने सिरे थे, उसके अंदर टोटल साफ्ट के अंदर उसके दो टाइप, दो साफ्ट बना रहे थे, दो चीजें मिलके, किस किस के पार्ट्स थे, जैसे लेटरल एंड के पार्ट्स मिलके और मीडियल एंड्स के पार्ट्स मिलके क्या करते थे, उसके साफ्ट बना रहे थे। वहीं जो लेटरल एंड है वो उसके अंदर दो बॉर्डर, दो सरफेस के अंदर, मीडियल चार सरफेस में क्या हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था। अब इसके हम सब ने ये सारा चीज सारा कंप्लीट हो गया था, तो अटैचमेंट के अंदर भी हम क्या है कि यहीं से कुछ इसी तरीके से लेते हुए पढ़ते हुए चलेंगे कि इनसे है ना कौन कौन से और किस किस टाइप के मसल्स, लिगामेंट्स और जो क्या बोलते हैं कि कौन कौन से जॉइंट्स बनाते हैं, तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पे उसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले क्या लिखा था, पहले साफ्ट लिखा था, मैं इस वीडियो में भी क्या सबसे पहले साफ्ट लिखूंगा। अब साफ्ट लिखने का, साफ्ट के बारे में लिखने का मैं एक रीजन बता दूं, क्योंकि साफ्ट क्या है कि एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और जिसमें क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। अगर मैं पहले अगर लेटरल या मीडियल पॉइंट्स को लिख दूंगा तो साफ्ट के लिए बाद में हो सकता है कि एक स्पेस ना बचे, तो मैं इसी कारण से सिर्फ साफ्ट को पहले लिख रहा हूं। ये लेटरल एंड मीडियल एंड और सॉरी लेफ्टल सॉरी लेटरल एंड साफ्ट एंड मीडियल एंड के हिसाब से आप लोगों को ये लिखना है। इसको जो रिमेम्बर आपको जिसको याद करना है वो उसी हिसाब से कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस बोन को पहले लिख रहा हूँ उसका मतलब साफ को पहले लिख रहा हूँ तो साफ पहले आएगा या फिर बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। नाउ वी विल टॉक अबाउट अटैचमेंट्स। अच्छा, अटैचमेंट्स ऑफ क्लेविकल, ठीक है। एंड और इसमें भी कौन सा, इसमें भी साफ्ट, ठीक, अपना वाला तरीका। सबसे पहले किसके बारे में, साफ्ट के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो साफ्ट है, यहाँ पे जो साफ्ट है ये पहले कौन कौन से बॉर्डर्स में डिवाइड होती है, लेटरल और मीडियल। सेम हेयर यहाँ पे भी वो ही होगा, लेटरल और मीडियल एंड में डिवाइड होगा और वहां पे एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर बनाएगा, बट यहाँ पे जो सरफेस है वो सरफेस से कनेक्ट नहीं होगा, दरअसल यहाँ पे डायरेक्टली एक पार्ट बनाएगी जिसका नाम होगा क्यूबॉइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजियस रिज, ठीक है। साफ्ट, अब साफ्ट में टू टाइप्स के थे, कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल लेटरल 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 वन थर्ड, ठीक है। अब लेटरल वन थर्ड के अंदर यहां पे हमने कितने ही बॉर्डर पढ़े थे और कितने ही हमने सरफेस पढ़े थे, कितने बॉर्डर कितने सरफेस, टू बॉर्डर एंड टू सरफेस। विच बॉर्डर्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड विच सरफेस, सुपीरियर एंड इंफीरियर, यस। अब यहां पे हम लेटरल साइड की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एंटीरियर बॉर्डर की। तो एंटीरियर बॉर्डर के अंदर मतलब किससे कनेक्ट रहती है, एंटीरियर की साइड में, एंटीरियर की साइड में किससे कनेक्ट रहती है, विच मसल्स इज कनेक्टेड टू एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड इज कनेक्टेड टू डेल्टॉइड मसल्स, एंड विच पार्ट, ओरिजन, ओरिजन पार्ट, हेड पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड इज कनेक्टेड टू एंटीरियर बॉर्डर, देन वी विल राइट हियर ओरिजन टू डेल्टॉइड मसल्स, ठीक है। व्हाट वाज दैट, व्हाट इज दैट, इट्स एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल साफ्ट, लेटरल वन थर्ड शाफ्ट, इट्स गिवन द ओरिजन टू द डेल्टॉइड मसल्स, ओके। नाउ व्हाट व्हाट इज द सेकंड, विच बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, ओके, एंड पोस्टीरियर बॉर्डर,
विच काइंड ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम हेयर, दिस इज गिवन द इंसर्शन टू ट्रेपेजियस मसल पोस्टीरियर साइड के अंदर. मैं आप सबको इसका एक डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है किस तरीके से कनेक्टेड रहता है, किससे, उसके पोस्टीरियर बॉर्डर से, मतलब ट्रेपेजियस किस तरीके से कनेक्टेड रहती है. यहाँ पे ट्रेपेजियस से इसके मतलब एक पूरे पोस्टीरियर एयर को कवर करेगी, इस वाली बात को ध्यान रखिएगा. और किस तरीके करेगी शायद मैं आपको उसमें बताऊंगा. तो ये क्या करती है, इंसर्शन टू ट्रेपेजियस, ठीक है. नाउ व्हाट इज अबाउट कॉर्नोइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजियस रिज, इसको याद रखिएगा. यहां पे आप सरफेस नहीं लिखेंगे, हम यहां पे आपको पता है ना कि जहां पे साफ्ट होती है वहां पे साफ्ट के पास में से एक ट्यूबरकल निकलता है, और जो ट्यूबरकल होता है वो ट्यूबरकल क्या करता है, मतलब ट्यूबरकल के ऊपर क्या क्या रहता है. वहां पे एक ट्यूबरकल के ऊपर तो कॉर्नोइड ट्यूबरकल होता है, और उसी के जस्ट पास में एक छोटा सा रिज बनता है. वो रिज किस काम का, वो किसके लिए होता है, ट्रेपेजियस के लिए, कॉर्नोइड ट्यूबरकल प्लस ट्रेपेजियस रिज, ठीक है. अभी जो ट्रेपेजियस रिज है ये क्या करती है, कोनोइड एंड ट्रेपेजियस पार्ट ऑफ कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, मतलब कोनोइड एंड ट्रेपेजियस के जो पार्ट है जिससे किससे कनेक्टेड रहते हैं, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट से कनेक्टेड रहते हैं, उन सबको यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरीके से अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं. इट्स गिव टू अटैचमेंट टू द कोनोइड एंड ट्रेपेजियस पार्ट ऑफ कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, ओके, गिव द अटैच टू कोनोइड एंड ट्रेपेजियस पार्ट ऑफ कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, ओके. और अगर आपको अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज सुनाई दे रही है तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा. यहां पे इसका जो सेकंड, मतलब ये जो साफ्ट है ये इसको टू पार्ट्स मिलकर बनाते हैं, कौन से, लेटरल हमने लिख दिया, सेकंड मीडियल टू थर्ड, ओके. अब मीडियल टू थर्ड के अंदर यहाँ पे टोटल कितने सरफेस थी, फोर सरफेस थी. यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं थे, यहाँ पे सरफेस थी, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे क्या है कि जो एंटीरियर के साइड में है, अब एंटीरियर पोस्टर है मतलब आगे की तरफ रह गया. आगे की तरफ कौन सी निकलती है, आपको पता है अपने जो हेड के अपने हैंड के पास में, सॉरी हैंड के पास में से नहीं, अपने चेस्ट के पास में से थोरैक्स पे से एक मसल से गुजरती है, कौन सी, पेक्टोरलिस मेजर, जो कि अपने आर्म पिट की साइड से होती हुई निकलती है. वो क्या हो गई, वो एंटीरियर साइड में रह गई. सुपीरियर साइड हो गया, सुपीरियर साइड मतलब उसके अबव साइड में. अब अबव साइड के अंदर क्या है, वहां पे आपको पता हो तो एक क्लेविकुलर जो बोन है वहां से क्या है कि एक मसल्स निकलती है, कौन सी, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ध्यान रखिएगा सर बात को, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, जिसके बारे में हम जब मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे. तो ये क्या करती है, उसका आंख ऑफ रफ पार्ट बनाती है. एंड इंफीरियर साइड के अंदर वहां पर क्या है कि एक ओवल इंप्रेशन बनता है. अब जो ओवल इंप्रेशन होता है वहां पे कौन आके जुड़ता है, वहां पे आके जुड़ता है क्लेस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है. तो वहां पे आके जुड़ता है क्लेस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट. और अगर हम अगर उसके पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस कहां पड़ गया, पीछे की साइड पड़ गया. तो पोस्टीरियर सरफेस में क्या हो गया, पोस्टीरियर सरफेस के अंदर हो गया, ये क्या करती है, स्टर्नो हायोइड मसल्स को क्या करती है, ओरिजिन प्रोवाइड करवाती है. अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी, यहाँ पे एक सबक्लेवियन ग्रूव भी पाई जाती है. जो सबक्लेवियन जो ग्रूव होती है वो किसको, एक तो सबक्लेवियन मसल्स को प्रोवाइड करवाती है, और दूसरे क्या करवाती है, जो उसके मार्जिन, उसके ग्रूव के मार्जिन से एक जगह बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी क्लेवी पेक्टोरल फेसिया. तो हम सब इसको वीडियो में, इसमें सॉरी यहाँ पे लिखेंगे. तो मैं थोड़ा सा इसको क्या है कि ये हो गया एंटीरियर सरफेस, ठीक है. अब एंटीरियर सरफेस हो गया. अब एंटीरियर सरफेस क्या करता है इसका पार्ट, सॉरी मैंने इसको थोड़ा सही से नहीं लिखा. एंटीरियर सरफेस, आई थिंक आप समझ जाएंगे. एंटीरियर सरफेस क्या है इसका, ये क्या करता है, इस गिव्स टू ओरिजन
टू द पेक्टोरलिस मेजर, टू पेक्टोरलिस मेजर ओके. एंड व्हाट वाज अबाउट दिस पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस. अब यहां पे जो पोस्टीरियर सरफेस क्या करता है, इट्स गिव्स ओरिजिन टू द स्टेनोहायोइड मसल्स. पिचिंग साइड रहेगा ना, तो पिचिंग साइड क्या करेगा, स्टेनोहायोइड मसल्स को क्या करेगा, ओरिजिन देगा, मतलब जो स्टेनोहायोइड मसल्स की जो ओरिजिन है वो वहीं से निकल लेगी. ओरिजिन टू स्टेनोहायोइड मसल्स ओके. नाउ इसके फोर सरफेस थी ना, तो हमने टू तो पढ़ ली, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. व्हाट अबाउट नेक्स्ट टू, सुपीरियर सरफेस. ठीक है, आई थिंक आप इससे समझ जाएंगे, मेरे को उसको कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहां पे जो सुपीरियर सरफेस है ये क्या करेगा, इसका हाफ ऑफ जो पार्ट है वो क्या होगा, रफ होगा. हाफ ऑफ रफ पार्ट एंड वो क्या करेगा, व्हाट दे डू, ओरिजिन टू क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लेडोमस्टॉइड मसल्स. ठीक है, ओरिजिन टू क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लेडोमस्टॉइड मसल्स, मतलब जो स्टर्नोक्लेडोमसल्स है, स्टर्नोक्लेडोमस्टॉइड मसल्स है, वो जो क्लेविकुलर के हेड के ऊपर आके जुड़ेगी, उसको क्या करेगा, ओरिजिन देगा. ओरिजिन टू क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नो क्लेडो मैस्टोइड मसल्स ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज इंफीरियर सरफेस. अब इस इंफीरियर सरफेस के अंदर एक इंप्रेशन बनता है, उस इंप्रेशन का नाम क्या है, ओवल इंप्रेशन. ओवल इंप्रेशन, अब वो जो ओवल इंप्रेशन है वो क्या करेगा, वो किसको अटैचमेंट देगा, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट को, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट को क्या करेगा, अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा. अब ये तो हो गया इसके इसके ये कुछ चार सरफेस. यहां पे एक सरफेस और आता है, वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्रू, सब क्लेवियन ग्रू, सब क्लेवियन ग्रू. ठीक है, अब जो सब क्लेवियन ग्रू है ये यहां पे क्या करेगा, टू चीजों को क्या करेगा, अपना मतलब अटैचमेंट प्रोवाइड करवाएगा. क्या, एक तो पहले सबसे पहले जो सब क्लेवियन जो मसल्स है वो इसी से आके जुड़ेगी, सब क्लेवियन जो मसल्स है वो इसी से आगे जुड़ेगी. सेकेंड, यहाँ पे एक क्या क्या बनाएगा, ये क्लेवी पेक्टोरल फेसिया बनाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक क्या करेगा, जो ग्रूव है, अब ग्रूव आपको मतलब पता क्या होता है, एक छेद सा होता है जिसके अंदर से बहुत सारे ग्रूव क्या करते हैं मेनली, क्या उनका क्या क्या होता है, बोधरली वो मेनली क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स रह गई, नर्व्स रह गई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लिम्फ नोड्स रह गए, तो इनको क्या करता है, ये अंदर आने का काम करता है, मतलब वो अंदर पहुंच के इन ऑर्गन्स तक क्या करे, ब्लड सप्लाई करवाए. तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टर्नोक्लेविकुलर जो ग्रूव है, सॉरी सब क्लेवियन जो ग्रूव है, वो किससे, सब क्लेवियन मसल्स से कनेक्टेड रहती है, अटैचमेंट इससे रहती है. और यहाँ पे ये क्या करेगी, ये करेगी एक जो क्लेवी पेक्टोरल फेसिया बनाएगी, क्लेवी पेक्टोरल फेसिया बनाएगी. अब जो क्लेवी पेक्टोरल जो फेसिया है ये क्या होगा, मार्जिन ऑफ ग्रूव से बनेगा, फ्रॉम मार्जिन ऑफ ग्रूव ओके. ये हो गया इसका क्या होगा इसके अटैचमेंट्स, हमने इसके टोटल अटैचमेंट्स के बारे में क्या है बात कर लिया. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, लेटरल एंड की. ठीक है, लेटरल एंड, अब जो लेटरल एंड है
अब ये लेटरल एंड दरअसल किस किस को अटैचमेंट देगा? लेटरल एंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो सिर्फ एक का काम है। अब लेटरल साइड में रहेगा ना, मतलब कहाँ पे जो स्केपुला जहाँ पे एक्रोमियल पार्ट बनाएगा ये उसी से तो जाके कनेक्ट होगा। फिर वहां पे क्या करेगा, हैंड का क्या बोलते हैं उसका वेट का जो होता है ना, जो हैंड जो अपना जो वेट राइज करता है उसको क्या करता है, पास करता है स्टर्नम तक और एक्सियल कहाँ तक, एक्सियल जो रह गया एक्सियल बोन रह गया उस तक, जिससे कि अपना जो हैंड है प्रॉपर वे में क्या है अपना जो वेट है अटेंड कर पाता है। तो इसका अटैचमेंट किससे होगा, इसका अटैचमेंट होगा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट से विच गिव्स अटैचमेंट टू द जॉइंट कैप्सूल्स। ओके, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स गिव्स अटैचमेंट, गिव्स अटैचमेंट टू टू द जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल। ओके, एंड व्हाट वाज अबाउट इट्स मीडियल एंड, इसके टोटल कितने एंड होते हैं? इसके टोटल दो एंड होते हैं और एक शाफ्ट बनता है, जहां से रोटेट होता है वहां से शाफ्ट बनता है। इसके दो जो लेटरल साइड में हो गया लेटरल एंड, जो मिडिल साइड में हो गया मिडिल एंड। मिडिल एंड को स्टर्नम से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको स्टर्नल एंड भी बोलते हैं। और जो लेटरल एंड है, लेटरल एंड है वो क्या करता है, एक्रोमियल पार्ट से जुड़ा रहता है, इसको एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। इट्स नॉर्मल आई थिंक, आप अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो ये एक बिल्कुल कॉमन सी क्या बोलते हैं उसको डिटेल है, मतलब इसका कुछ खास नहीं है। अब जो मीडियल एंड है ये क्या है, फाइबरस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। जो स्टर्नोक्लेविकुलर अभी मीडियल साइड में रह गया, मीडियल साइड में क्या है स्टर्नम है क्लेविकुलर है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना स्टर्नोक्लेविकुलर। और दोनों अगर आपस में जॉइंट हो रहे हैं तो जॉइंट क्या हुआ, सॉरी ये स्टर्नम है ये क्लेविकुलर है, स्टर्नम है क्लेविकुलर है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, और अब जॉइंट अगर जहां पे बन रहा है तो वहां पे जॉइंट आपस में जुड़ेगा भी तो सही, तो जॉइंट आपस में किससे जुड़ेगा, जॉइंट आपस में जुड़ेगा फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, ओके क्लियर। एंड अभी क्या करेगा, मीडियल एंड है तो ये क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ, डिस्क ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियरली, मतलब जो पोस्टीरियर सुपीरियरली जो डिस्क है उसके साथ क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा। अब क्यों करेगा, ताकि अपने उसको क्या बोलते जो वेट को है वो राइज कर सके, उसको कंटिन्यू कर सके। आर्टिकुलर डिस्क पोस्टीरियो सुपीरियरली, ओके। एंड इसका जो थर्ड अटैचमेंट क्या होगा, इसका थर्ड अटैचमेंट होगा एक लिगामेंट से जुड़ेगा सुपीरियर के अंदर, और किससे जुड़ेगा, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। भाई क्लेविकुलर भी तो आपस में कई जगह पे जाके जुड़ता है आपस के अंदर, जिससे कि वो अपने आप को क्या कर सके, एक जगह पे मजबूत तरीके से बांधे रख सके। तो ये किसका अटैचमेंट देगा, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट, कहां पे सुपीरियरली। तो गाइज ये हो गया आज का टोटल वीडियो। तो हमने आपको आज के इसके टोटल जो अटैचमेंट्स थे, अटैचमेंट्स के बारे में हमने क्या क्लियर किया, और इसकी जो फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके के पार्ट्स होते हैं, किस तरीके के क्या होते हैं। तो अब जिसका जो नेक्स्ट वीडियो है ना, इसका नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा इसके डायग्राम से रिलेटेड। और इस वाले पार्ट में तो मैं क्या, इसके क्या जो क्लिनिकल जो एस्पेक्ट है वो मैं इसको क्या क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन डायग्राम में जब क्लियर करूंगा तब डायग्राम के अंदर हम इस चार्ट को साथ में लेते हुए क्लियर करेंगे, और साथ में आपको वहां पे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो भी हो सकते हैं इसके छोटे मोटे वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, इसको लाइक और शेयर करके मुझे बताइएगा, और अपनी प्यारी प्यारी जो बातें ना कमेंट बॉक्स में लिखो यार,
जब तक आप कमेंट नहीं करते हो तब तक यार दिल को सुकून सा नहीं मिलता, एक मोटिवेट सा नहीं होता है। तो कमेंट करो नीचे, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपने अगर अभी तक एडुलेशन के ऐप को अगर इंस्टॉल नहीं किया ना तो जाओ फटाफट इंस्टॉल करो। प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करोगे एडुलेशन तो सबसे पहले आपको अपना ऐप मिल जाएगा एडुलेशन का, उसको जाओ इंस्टॉल करो, क्योंकि वहां पे मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ और आपको इजीली वहां पे सभी के सभी नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, बस आप उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते और उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ वो एक मेरा पर्पज है, वो पर्पज ये है कि अगर आप वहां पे जा रहे हैं, आप इजीली पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब अपने हाथों से जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको कैसे याद रहेगा। अगर फोन में आप डाउनलोड कर भी लोगे तो मतलब डाउनलोड तो यार मेरे पास भी बहुत सारी इमेजेस है, बहुत सारी पीपीटी पीडीएफ से, बहुत सारे नोट्स मेरे पास भी डाउनलोडेड है लैपटॉप में, बट जब तक मैं हाथों से नहीं लिखता तब तक मैं क्या कोई भी अगर हाथों से नहीं लिखता उसका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो इसी पर्पज से मैंने उसका अंदर मतलब डाउनलोड और स्क्रीनशॉट का ऑप्शन रखा ही नहीं है, और वो क्या है ड्राइव से कनेक्टेड रह गया, वेबसाइट से कनेक्टेड रह गया, जो यूट्यूब से कनेक्टेड रह गया, इंस्टाग्राम से, इन सब से कनेक्टेड रह गया। तो इसके अंदर आपको इंटरनेट चाहिए ही चाहिए होगा, इसीलिए मैंने उसके अंदर नेटवर्क का एक जो है वो कनेक्ट डिसकनेक्ट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर ऐड किया है, ताकि अगर आपका नेटवर्क डिसकनेक्ट हो तो आपको बता दे, क्योंकि वो ऑफलाइन में वो ऐप बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तो गाइस कैसे लगेगा आपको वो ऐप, आप एक बार वहां पर मतलब रेटिंग दीजिए यार 5 स्टार की, जाके एक बार चेक करो यार उस ऐप को, इंस्टॉल करो और इस वीडियो को फिर से एक बार लाइक पे बटन पे क्लिक कर दो। मिलते फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।